हेलो हाय नमस्कार आप सभी को मेरे चैनल द लिमिटलेस लेडी में आप सभी का स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हम क्ले से गणेश आइडल बनाएंगे। कोई भी आप कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने इसको कलर्ड पेपर से कवर अप किया है, आप इसको पेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम एक रफ कार्डबोर्ड लेंगे और चेक करेंगे कि वो इस बॉक्स में फिट होता है कि नहीं। फिर हम इसको दो टुकड़ों में कर देंगे। फिर हम उस कार्डबोर्ड में एक लीफ शेप का डायग्राम बनाएंगे। और फिर उसको कट कर देंगे। इसके बाद हम फेविक्रिल का क्ले मोल्ड यूज़ करेंगे, जिसमें आपका एक हार्डन वाला होता है और एक रेजिन वाला होता है, और हम इन दोनों को मिक्स करके अपना क्ले मोल्ड तैयार करेंगे। क्ले मोल्ड तैयार होने के बाद हम इसका एक बेस बना लेंगे और उस लीफ में ऐसे चिपका देंगे, और उस लीफ को हम अपने पहले कार्डबोर्ड में इस तरह से चिपका देंगे कि वो सेट हो जाए। इसके बाद हम क्ले मोल्ड से गणपति जी का चेहरा बनाएंगे। जब हमारा गणपति जी का बेस रेडी हो जाए, फिर हम उसको उस लीफ में चिपका देंगे। इसके बाद हमने उनका पूरा स्ट्रक्चर रेडी करके उस लीफ में चिपका दिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही चिपका सकते हैं, अथवा फेविकॉल का यूज़ भी कर सकते हैं।
आप इसके बाद अपने हिसाब से डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, अन्यथा आप चाहे तो लीफ बेस बनाने के बाद डिज़ाइन बना के उसके बाद गणपति जी को अपने लीफ पे विराजमान करा सकते हैं। अब गणपति जी बनाए हैं तो उनका वाहन कैसे छोड़ दें, तो हमने मूषक भी बनाया साथ में और हमने उसको इस तरह से चिपका दिया। तो ये लीजिए, हमारे गणपति जी का बेस तैयार हो गया। अब हमें इसको रंग करना है। रंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने पहले इन पूरे को काले रंग से रंग दिया, उसके बाद पत्तों में हरे रंग से रंगा और फिर गणेश जी को मेटालिक कलर यूज़ करते हुए गोल्डन रंग से रंगा। तो ये रही मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन, आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। धन्यवाद। ऐसे और अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए।